फिल्म प्रभाग ने इन पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म द मैन हु मूव्ड द माउंटेन का भी 2012 में उत्पादन किया। कुमुद रंजन इस डॉक्यूमेंट्री के निर्देशक है। जुलाई 2012 में निर्देशक केतन मेहता ने दशरथ मांझी के जीवन पर एक फिल्म मांझी द माउंटेन मैन बनाने की घोषणा की और करे भी क्यों ना, एक व्यक्ति जिसने मात्र एक हथौड़े और छैनी की मदद से 360 फुट लंबी, 30 फुट चौड़ी और 25 फुट ऊंची पहाड़ को काटकर सड़क बना डाली ताकि जिस सिचुएशन से वो गुजरे थे कोई और उस सिचुएशन से गुजरे ना। 14 जनवरी 1929 को गहलोर बिहार में जन्म लिया और मजदूरी कर अपना पेट भरा। मैं बात कर रहा हूँ दशरथ मांझी की, जिनको हम द माउंटेन मैन ऑफ इंडिया भी कह सकते हैं। दशरथ मांझी एक बेहद ही पिछड़े इलाके से आते थे और आदिवासी समाज से ताल्लुक रखते थे। शुरुआती समय में उन्हें अपना छोटे से छोटा हक मांगने के लिए बेहद संघर्ष करना पड़ता था। वे जिस गांव में रहते थे वहां से पास के कस्बे में जाने के लिए एक पूरा पहाड़ पार करके उन लोगों को जाना पड़ता था। उन दिनों उन लोगों के पास ना बिजली थी और ना पीने के लिए पानी, जिस कारण उन्हें छोटी से छोटी जरूरत के लिए वो पूरा पहाड़ पार करके दूसरे कस्बे में जाना पड़ता था। बचपन में दशरथ घर छोड़कर भाग गए थे और धनबाद में कोयले की खान में काम किया करते थे। बाद में जब वो घर लौटे तो उनकी शादी फाल्गुनी देवी से हुई। दशरथ मांझी को पहाड़ काटकर रास्ता बनाने का जुनून तब सवार हुआ जब पहाड़ के दूसरे छोर पर लकड़ियां काट रहे उनके पति को खाना ले जाने की कोशिश में उनकी पत्नी फाल्गुनी पहाड़ से गिर गई और उनका निधन हो गया। उनकी पत्नी की मौत दवाइयों के अभाव में हो गई क्योंकि बाजार दूर था और समय पर दवाइयां नहीं मिल पाई। ये बात उनके मन में घर कर गई। इसके बाद दशरथ मांझी ने संकल्प लिया कि वो अकेले के दम पर इस पूरे पहाड़ को काटकर इसके बीच से रास्ता निकालेंगे और अत्री और वजीरगंज की दूरी को कम करेंगे। इन्होंने अपने काम को 22 वर्षों में पूरा किया। इस सड़क ने गया के अत्री और वजीरगंज सेक्टर्स की दूरी को 55 किलोमीटर से घटाकर 15 किलोमीटर कर दी थी। मांझी के प्रयास का लोगों ने मजाक उड़ाया परंतु उनके प्रयास ने गहलोर के लोगों के जीवन को सरल बना दिया। इनकी इस उपलब्धि के लिए बिहार सरकार ने सामाजिक क्षेत्र में 2006 में पद्मश्री हेतु उनके नाम का प्रस्ताव रखा गया। बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दशरथ मांझी के नाम पर गहलोर गांव में 3 किलोमीटर पक्की सड़क का, गहलोर से 3 किलोमीटर पक्की सड़क और गहलोर गांव में दशरथ मांझी के नाम का अस्पताल बनाने का प्रस्ताव रखा गया। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था नई दिल्ली में गॉल ब्लैडर के कैंसर के कारण मांझी का 78 साल की उम्र में निधन हो गया। तारीख थी 17 अगस्त 2007। बिहार के राज्य सरकार द्वारा उनका अंतिम संस्कार किया गया। दशरथ मांझी ने एक बात ये कही थी कि अपने बुलंद हौसलों और जो भी मुझे आता था उसी के दम पर मैं मेहनत करता रहा। संघर्ष के दिनों में मेरी माँ कहा करती थी कि 12 साल में तो घूरे के भी दिन बदल जाते हैं। उनका यही मंत्र था कि अपने धुन में लगे रहो और बस मैंने भी यही मंत्र अपने जीवन में बांध रखा था कि अपना काम करते रहो, चीजें मिले ना मिले इसकी परवाह मत करो, हर रात के बाद दिन तो आता ही है ना। और इसी के साथ मेरी ये वीडियो भी खत्म होती है। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो शेयर कर दो यार, किस बात का वेट है। मिलते हैं एक और ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए वही अपना, टाटा बाय बाय।